नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने राज्यपाल से मुलाकात की। हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि 60 साल से हरियाणा अपनी विधानसभा नहीं बना पाया, यह उनकी विफलता है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के आधार पर पंजाब का चंडीगढ़ पर अधिकार है। इस पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विधानसभा तो हम बना रहे हैं और वे इस पर आपत्ति जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक चंडीगढ़ की बात है, जो पहले एग्रीमेंट हुए हैं उन्हें इनको पहले पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट में क्लियर लिखा हुआ है कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वो हरियाणा को ट्रांसफर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब तक SYL का पानी हमें नहीं मिलता, तब तक जितना चंडीगढ़ पर पंजाब का अधिकार है उतना ही हरियाणा का भी अधिकार है। अम्बाला से हमारे संवाददाता पंकज भाटिया की रिपोर्ट। विधानसभा तो हम बना रहे हैं और उसका ये एतराज कर रहे हैं। जहाँ तक चंडीगढ़ की बात है, इनको जो पिछले एग्रीमेंट्स हुए हैं उनको पहले पढ़ना चाहिए। उन एग्रीमेंट्स में क्लियर लिखा हुआ है कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वो हरियाणा को ट्रांसफ़र किए जाएंगे। SYL का पानी हमें मिलेगा, जब तक नहीं मिलता तब तक जितना चंडीगढ़ पर पंजाब का अधिकार है उतना ही हमारा भी अधिकार है। नहीं, उनका कोई अधिकार नहीं है। चंडीगढ़ UT है, चंडीगढ़ इज नॉट पार्ट ऑफ पंजाब स्टेट। वो इस तरह की बात कह नहीं सकते हैं। और UT के अंदर जितने कर्मचारी अधिकारी भी लगे हुए हैं वो 60-40 की रेशो से लगे हुए हैं। उसमें हरियाणा के भी होते हैं, पंजाब के भी होते हैं। उनको सारा मालूम नहीं है, तो ये सारी उनको जानकारी लेनी चाहिए कि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है आज की तारीख में। वो आपकी नहीं है, आपकी तभी हो सकती है जब आप हिंदी भाषी क्षेत्र और SYL का पानी हरियाणा को दोगे। देखिए, हुड्डा साहब के राज में तो जिन पे उनकी मेहरबानी हो जाती थी, उनकी सरकार की मेहरबानी हो जाती थी, उन्हीं के BPL कार्ड बनते थे और बाकी लोग घूमते रहते थे। उनको पता ही नहीं होता था कि वो BPL के हकदार हैं। हमारी सरकार ने सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया है, सेंटर्स खोले हैं, तो वहाँ पर हर आदमी जाकर अपनी आय बताकर अपने कार्ड बना रहा है। अब BPL को अगर हम अनाज दे रहे हैं, गरीब लोगों को अगर हम राशन दे रहे हैं और हुड्डा साहब को तकलीफ हो रही है, तो ये तो बड़ी आश्चर्य की बात हो। हाँ नहीं, ये देखिए, अब कांग्रेस का राज है हिमाचल में और कांग्रेस के राज में जो उनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो राजशाही परिवार के सदस्य हैं। और जो राजशाही परिवार होता है वो देश के कानून से ऊपर होता है, उनको इम्यूनिटी मिली हुई होती है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। इसलिए उसने गुस्ताखी की, उसका चलान किया, तो इसलिए उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।